दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशन के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आपका कोई भी पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन है, तो आप अपने पेंशन का पैसा कैसे चेक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग अपनी पेंशन का पैसा नहीं चेक कर पा रहे हैं कि उनका पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप 2 मिनट में ही अपने मोबाइल से ही पता लगा सकते हैं कि आपका पेंशन का पैसा आ चुका या नहीं आया है या अभी पेंडिंग में है, पूरा डिटेल आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने पेंशन का पैसा चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विधवा पेंशन है या दिव्यांग पेंशन है, आपका तीनों में से कोई भी पेंशन है, आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल लैपटॉप का कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर देना होगा और वहां पे आपको टाइप करना होगा डीबीटी स्टेटस। डीबीटी स्टेटस टाइप करके आपको सर्च कर देना होगा और सबसे ऊपर वाले लिंक पर ही आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ चुका, और यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं कैटेगरी। तो कैटेगरी इस पे क्लिक करके सेलेक्ट वाले पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पेंशन चेक करना है तो एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पे आपको क्लिक कर देना होगा, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिशियरी वैलिडेशन और यहाँ पे पेमेंट। तो हमें पेमेंट ही चेक करना है तो इस पे रहने दीजिए, और एंटर एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पे अपने पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। जो आपके पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है अगर आपने नोट किया है तो उसको डाल दीजिएगा, अगर आपने नोट नहीं किया है तो आपके पेंशन की वेबसाइट पे जा करके आप पेंशन की लिस्ट को पूरा निकाल सकते हैं, और पेंशन के लिस्ट के देख सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे ही आता है रजिस्टर्ड संख्या, और उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, कैप्चा डाल के, और सर्च पे जब आप क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा और यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ चुका है, स्कीम कोड देख सकते हैं, बेनिफिशियरी नेम यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा और बेनिफिशियरी कोड यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका, और पर्पज का नेम यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, और यहाँ पे आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट आपका शो कर रहा है। अमाउंट 3,000 रुपये इनके बैंक अकाउंट में आए हैं, किस डेट को आए हैं तो देख सकते हैं वैलिडेट 27 जून 2024 और अप्रूव्ड बाई एजेंसी 3 जुलाई 2024 को अप्रूव की है, और देख सकते हैं बैंक रिसिप्ट बैंक में इनके आया है 5 जुलाई को। तो देख सकते हैं पैसा इनका आ चुका है 5 जुलाई 2024 को इनके बैंक अकाउंट में। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं इसके पहले वाला भी पेमेंट यहाँ पे दिखाता है, दो पेमेंट यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 15 फरवरी को वैलिडेट हुआ था, 10 मार्च को एजेंसी ने अप्रूव किया था, और बैंक में रिसीव हुआ था 12 मार्च को। तो फ्रेंड देख सकते हैं लगभग एक महीना, मतलब 15 फरवरी को वैलिडेट हुआ और 10 मार्च को एजेंसी अप्रूव हुई, और देख सकते हैं 12 मार्च को यहाँ पे बैंक में रिसीव हुए हैं, और यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हैं, आपका पूरा नाम लिखा है, और लास्ट का 4 डिजिट भी आप अकाउंट नंबर का देख सकते हैं कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं। तो फ्रेंड अगर इसी तरह से आप चेक करते हैं, और अगर आप में यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स नहीं लिखता है, वैलिडेट के जगह पे रिजेक्टेड लिखता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई नहीं है। अगर एनपीसीआई रहेगा, मतलब आधार सीडिंग रहेगा आपके बैंक अकाउंट में, तो पैसा आ जाएगा और वैलिडेट यहाँ पे लिखेगा। अगर यहाँ पे वैलिडेट के जगह पे रिजेक्टेड लिखा है तो आप ये समझ लीजिए कि एनपीसीआई नहीं हुआ है, आपको बैंक में जाके तुरंत ही एनपीसीआई करवा लेना होगा, और एनपीसीआई जब आप करवा लेंगे उसके 1 महीने या 10 दिन 15 दिन में ही लगभग यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया, और इसी तरह से आप अगली किस्त भी जब भी मान लीजिए आपने 3 जुलाई को इनका आया है तो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फिर से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आने वाला है या नहीं है, क्योंकि आने से पहले ही 10 दिन पहले ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे वैलिडेट जब लिख देगा तो आप समझ लेंगे कि आपका पैसा आने वाला है। फ्रेंड कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने पेंशन का पैसा चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।